हेलो फ्रेंड्स, मैं सारिका सिंगल और आज हम बनाएंगे भुट्टे का कीस, जो मालवा की प्रसिद्ध डिश है, रेसिपी है, तो जो इंदौर साइड बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। तो उसके लिए मैंने ले लिए हैं यहाँ पर 5 से 6 भुट्टे और इनको हम छील के अच्छे से धो लेंगे और धोकर हम इसको कसनी की सहायता से कस लेंगे। इन्हें कसना है आपको, पीस के ना बनाएं, वरना इसमें जो अंदर छिलके होते हैं वो मुंह में आएंगे तो वो अच्छे नहीं लगेंगे। आप इसे हल्के हाथों से कसें और जब ये कस जाएगा तो फिर भी हमें इसमें से दाना निकालना है और छिलका नहीं निकालना है, इसका दाना दाने हमें निकालने हैं। तो आप कोई भी किनारी वाली प्लेट या बाउल ले लें, कटोरी, तो उससे आप हल्के हाथों से इस तरह से इसको निकालेंगे तो इसमें से सारा जो भी दाने हैं तो वो आधे आपके कस चुके हैं, आधे इस प्लेट में इस तरीके से आएंगे। तो इस तरह से आप पूरा दाना निकालें, उसमें ना छोड़ें। ये देखिए, आप इस तरह से इसमें सिर्फ छिलका छिलका रह जाएगा, दाना हमने पूरा निकाल लिया है। इसी तरह से आप सारे 5 या 6 जितने भी भुट्टे लिए हैं उसमें से देखिए, मेरा 3 बाउल के करीब भुट्टे का कस निकल चुका है। भुट्टे का जो मसाला है वो इस तरह से मेरा 3 बाउल के करीब निकाल लिया है मैंने। तो अब मैं इसके साथ, मैं आपको बताती हूँ, मैं इसमें डालूँगी 1 कप दूध। 1 बाउल के करीब हम इसमें दूध डालेंगे। हम दूध ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी। 1 बाउल दूध तो हमें लेना ही है इतने कस के लिए। और 1 बाउल हम इसमें डालेंगे बेसन और इसे अच्छी तरीके से घोलेंगे, मिक्स कर लेंगे। इस घोल को अच्छे से इसे चलाना है, बेसन में लम्स नहीं रहने चाहिए। आप चाहें तो उसे एक बार ही छान लें। और फिर हम इसमें डालेंगे ताजी दूध की मलाई। दूध और मलाई डालने से एकदम बटरी बनेगा, सॉफ्ट बनता है, तो इसलिए हम इसमें दूध और मलाई का यूज़ करते हैं। इसमें कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स मैं नहीं बताऊंगी और ये कस बहुत ही टेस्टी बनेगा। इंदौर साइड ये बहुत ही ज़्यादा बनाया जाता है, तो स्वीट सा, वहाँ के लोगों की तरह ही स्वीट रेसिपी है एकदम। ये वहाँ हर चीज़ में शक्कर ज़्यादा रहती है थोड़ी सी, तो हम कस में भी शक्कर थोड़ी ज़्यादा ही रखेंगे। तो इस तरह से इसमें हम पानी की सहायता से एक घोल बना लेंगे, क्योंकि बेसन डला हुआ है और कॉर्न भी हमें पानी पियेंगे। तो इस तरह से हम पानी की सहायता से 1 से 1.5 गिलास के करीब इसमें हमारा पानी डल जाएगा। तो पानी डालकर आप इसे अच्छे से चलाएं। यदि आपको ऐसा लग रहा है इसमें गुठले बन रहे हैं तो फिर आप विस्क की सहायता से इसे अच्छी तरीके से मिक्स करें और एक घोल तैयार कर लें इसका। घोल बनाने के बाद हम इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हम हल्दी पाउडर डालेंगे इसमें, 1/2 चम्मच तो फ्रेंड्स, इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स मैं बता रही हूँ उसके अलावा आप कोई भी इंग्रेडिएंट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको कोई हींग वगैरह डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें लौंग का और जो करी पत्ता हम डालेंगे इसका इतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आएगा कि बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 10 से 12 करी पत्ते और लौंग ले ली है हमने 8 से 10 कूटी हुई। नींबू हमने 2.5 नींबू लिया है बड़े साइज का। हरी मिर्च ली है 2 से 3। राई ले ली है। गरम मसाला लिया है हमने। यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च और 2 बड़े चम्मच हमने शुगर ली है। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल रखा है पैन में और उसमें हमने डाल दी है राई, हरी मिर्च, करी पत्ता, ये सब हमने इसमें डाल दिया है। और लौंग जो हमने कूट कर रखी थी वो भी हमने इसी में डाल दी है। और इसके बाद हमने जो घोल बनाया था वो हमने इस कढ़ाई में डाल दिया है। और इसे घोल को डालने के बाद आप तुरंत चलाते रहेंगे इसे, इसमें वरना गुठले पड़ जाएंगे। तो आप इसे तुरंत जल्दी जल्दी चलाएँ। और यहाँ पर मैंने नॉन स्टिक की कढ़ाई ली है, आप चाहें तो किसी भी एल्युमिनियम की कढ़ाई में भी बनाएंगे तो काफ़ी अच्छा बनेगा ये। बस गैस आपको सिम रखनी है बाद में और ढककर इसे चलाते रहना है, ढक देना है। तो बीच बीच में आप इसे चलाकर देखते रहें। तो इसे लगातार हम चलाएंगे जब तक कि ये थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। और फिर मैंने इसमें डाल दिया है गर्म मसाला, 1 चम्मच हमने इसमें गर्म मसाला डाला है घर का पिसा हुआ। और फिर हम इसे अच्छे से चलाएंगे। और चलाने के बाद मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च डाली है 1 से 1.5 चम्मच। कश्मीरी लाल मिर्च डालने के बाद आप इसे चलाएं और लगातार इसे चलाते ही रहेंगे तब तक कि ये थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। और फिर हम इसे बीच में ढक देंगे। 5 से 10 मिनट के लिए इसे हम ढककर पकाएंगे।
मध्य गैस पर बिल्कुल सिम आंच पर हम इसे ढककर पकाएंगे। तो आखिरी स्टेज पर बस हमें इसमें डालना होगा शक्कर, नींबू और हरा धनिया। तो जब तक ये हो ना जाए इसे हम चलाते रहेंगे। देखिए यहाँ पर ये गाढ़ा हो चुका है तो, और ये ठंडा हो जाएगा 5 से 10 मिनट बाद जब आप गैस बंद कर देंगे तो ये और गाढ़ा हो जाएगा और ज़्यादा खिला खिला हो जाएगा। तो आपको जैसा भी पसंद है आप वैसे इसकी थिकनेस रखें। तो यहाँ पर हम इतना पतला रखेंगे इसे, तो हलवे की तरह हम इसकी कंसिस्टेंसी रखेंगे ताकि ये थोड़ी देर बाद थोड़ा खिला खिला हो जाएगा, गाढ़ा सा हो जाएगा। और मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच शक्कर डाल दी है और 1 बड़े चम्मच हमने नींबू का रस डाला है, क्योंकि इसमें नींबू और शक्कर से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और फिर हमने इसमें हरा धनिया डाला है और फिर ये बनकर तैयार है। गर्मा गर्म आप इसे सर्व करें तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। ये इंदौर साइड की बहुत ही फेमस डिश है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।